वर्ल्ड शेफ डे के उपलक्ष्य में हमीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ने स्ट्रीट फूड प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें इंस्टीट्यूट के छात्रों की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों द्वारा विभिन्न प्रदेशों में बनाए जाने वाले स्ट्रीट फूड को छात्रों ने तैयार किया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने स्वयं ही न केवल तैयार की गई स्ट्रीट फूड को सजाया बल्कि उसकी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इस अवसर पर संस्थान के उप प्रधानाचार्य पुनीत बंटा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उप प्रधानाचार्य पुनीत बंटा ने बताया कि वर्ल्ड शेफ डे के तहत एक सप्ताह तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि छात्र परिपक्व बन सके। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के दौरान क्विज, वाद विवाद, स्ट्रीट फूड इत्यादि प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिनमें छात्रों ने भी दिलचस्पी दिखाई है और लजीज व्यंजन बनाए हैं। आज जो ये स्ट्रीट फूड कंपटीशन आईएचएम हमीरपुर में ऑर्गेनाइज किया गया, ये 20 अक्टूबर को वर्ल्ड शेफ डे था, उसके उपलक्ष्य में हमने ये पूरी सीरीज रखी हुई है, जिसमें कल क्विज कंपटीशन हुआ, आज स्ट्रीट फूड कंपटीशन है, जो बच्चों के द्वारा ही इंकल्केट किया गया, इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये सारा फेस्टिवल, जिसमें इंडेंटिंग भी बच्चों ने करी, सारी चीज़ें बनाई और इनको प्रेजेंट किया जजिस के सामने। इससे इनकी एक तो जो खेल भावना है, जो एक कंपटीशन की भावना है, उसको जागृत करता है बच्चों में, इनोवेशन टेक्निक्स उनको जागृत करता है और जो प्रोफेशनलिज्म है इन बच्चों का, उस तरफ भी इनका ध्यान जो है वो केंद्रित करती है। इस तरह की जो कंपटीशन हम करवाते हैं, इसी सीरीज में हमारे आने वाले सोमवार को एक और कंपटीशन होने वाला है वॉल पेंटिंग, और मंगलवार को डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट है।